कि जिन बाइक में BCU बॉडी कंट्रोल यूनिट यानी लगा होता है, यानी BCU फुल फॉर्म होता है बॉडी कंट्रोल यूनिट, ठीक, उनको यानी हम जब शॉर्ट कर जाता है तो बहुत सारे भाई लोग स्विच यानी BCU डलवाते हैं और फिर शॉर्ट हो जाता है, इस तरह की समस्याएँ आती हैं। या सोचते हैं भैया कि हमारे BCU का सिस्टम हटा दीजिए, क्योंकि वो BCU आता है 1500 रुपये के आसपास और दोबारा उड़ गया तो आदमी सोचता है यार बार बार इतना पैसा कौन लगाएगा, इससे अच्छा हमारी जो नॉर्मल बाइक जैसे पहले आती थी या जो इस समय बाइक आती है उस तरीके कर दीजिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने वीडियो बनाया था, बहुत सारे भाई लोगों ने ये कमेंट किया भैया आप वीडियो बना दीजिएगा दोबारा, अच्छे से समझाइएगा, लंबा हो जाए कोई बात नहीं हम अच्छे से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर आप अच्छे से समझाइए जिससे कि हमको समझ में आए, ठीक। तो मेरे दोस्त देखिए हम आज इसी के लिए वीडियो बनाने में जा रहे हैं कि जिन बाइक में BCU यानी लगा होता है, BCU को हटा करके वायरिंग स्विच यानी दो जो लेफ्ट राइट स्विच लगाया जाता है उसको किस तरीके लगाया जाता है, उसका पूरा वायरिंग का सिस्टम बना करके दिखा करके तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये बाइक जो है इस तरीके से, इसमें दो बाइक होती हैं, ज़्यादातर दो मॉडल होते हैं, ठीक मेरे दोस्त। एक बाइक ये होती है जिसमें लाख में दो वायर होते हैं, एक बाइक होती है जिसमें लाख में चार वायर होते हैं, ठीक है। लेकिन हम जिसका बताने जा रहे हैं वो दो, जिसमें जिन बाइक में लाख में दो वायर होते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि वो जो बाइक आती है तो जैसे जैसे आती रहेगी, अभी ये न्यू मॉडल है, लेकिन जब ओल्ड मॉडल आएगा मेरे दोस्त जिसमें लाख में चार वायर होते हैं तो उसका भी हम वीडियो बना के बता देंगे, ठीक। अब देखिए मेरे दोस्त ये जो इसमें क्या होता है, जो अंदर से करंट निकलता है सिर्फ यानी दो ही तार में निकलता है, यानी दोनों जब आपस में शॉर्ट करते हैं तब, यानी नीले से नीले को शॉर्ट करेंगे तब करंट आएगा, ठीक। तो ये वाली वायरिंग है और इसमें क्या होता है सिर्फ देखिए यहाँ जो इसका RR यूनिट है, रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर और रेक्टिफायर, ठीक, RR यूनिट, ठीक। तो ये जो इसका जो मेन वायर है, यानी दोनों नीले इनपुट अंदर जाता है और जो बाहर निकलता है वो आउटपुट सफ़ेद वायर में, ठीक। इसी से यानी पूरा वायरिंग पूरी डिपेंड है, यानी स्टार्टिंग भी, लाइटिंग भी, हॉर्न भी और जितना भी यानी करंट का फंक्शन है सिर्फ एक ही वायर से, यानी यहाँ से आउटपुट जो इससे निकलता है वाइट तार से, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसलिए हमने आपको बताना चाहा कि इसमें जो लाइट होती है वो DC होती है, AC नहीं होती, ठीक है मेरे दोस्त। तो हमने इसी के अनुसार इसका वीडियो बनाने जा रहे हैं और देखिए इसमें क्या है, अगर हम इसको देखिए स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट भी नहीं हो रहा है, हॉर्न भी नहीं बोल रहा, इंडिकेटर जला रहे हैं ये भी नहीं, पास लाइट भी नहीं, कुछ भी नहीं यानी। और इसमें देखिए मेरे दोस्त ये सब कुछ स्टार्ट में, लेकिन लाइट देखिए इधर देखिए मेरे दोस्त, यहाँ से हम लाइट ऑन कर रहे हैं लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन मीटर में कुछ नहीं, क्योंकि मीटर BCU से नहीं होता, यानी मीटर जो होता है BCU से कनेक्ट नहीं होता, ये अलग से वायरिंग होती है, ठीक है। मीटर सब कुछ सही काम कर रहा, पर इसका ना इंडिकेटर काम कर रहा, ना इसका हॉर्न काम कर रहा, ठीक। तो अब आप समझें स्टार्टिंग सही है लेकिन हेडलाइट, बैक लाइट, मीटर लाइट सब कुछ यानी बंद है, ठीक। तो मीटर इसका अलग हो गया मेरे दोस्त, हम मीटर को कनेक्शन हटा के आपको दिखाता हूँ इसमें हम किस तरीके से, पहले आपको सिंपल बात बताता हूँ जिससे कि आप समझ लें और फिर उसके बाद आपको हम टेक्निकल बात बताते हैं, ठीक। अब देखिए इसके लिए हमने जो स्विच लिया है मेरे दोस्त, पल्सर 135 के लिया है, और 135 पे ले लें या इस समय जो बाइक आती है पल्सर, जिस यानी UG4 जिसमें यानी लाइट ऑन ऑफ करने का सिस्टम था, ठीक है, UG4 से जो पहले आई थी जिसमें लाइट ऑन ऑफ होती थी, ठीक है मेरे दोस्त, ऑन ऑफ, तो हमने उन बाइक का ये स्विच लिया है, ये इस तरीके होते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, ये स्विच हम लगाएंगे इसमें। अब देखिए हम इसको आपको सिंपल तरीका बताते हैं कि जैसे जब भी आपको शॉर्ट होता है तो कुछ भी काम नहीं करता तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक। देखिए मेरे दोस्त हमने चाबी ऑन कर दिया और हम अपने पास ज़्यादातर एक रिंग रखते हैं, पिस्टन रिंग मेरे दोस्त, और हमारे पास रखा रहता है रिंग, और हम रिंग से चेक करते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए मेरे दोस्त, अब रिंग के काम क्या है यहाँ पर, ये मेरे दोस्त देखिए जो रिंग है, इस रिंग को अगर हम एक वायर में, इसमें करंट आता है जो ब्राउन कलर का तार रहता, ठीक, यहाँ पर देखिए करंट आ रहा है, ठीक। अब इसको हम आपस में शॉर्ट करेंगे तो हॉर्न बोलेंगे, ठीक, हॉर्न बजेगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या है इसमें, जो देखिए हमने सामने सामने लगाया, यानी यहाँ पर भी ब्राउन है लेकिन इसमें ब्राउन में नीली डंडी है, कोई नीली डंडी नहीं होती, ठीक मेरे दोस्त। देखिए एक देखिए ये ब्राउन में नीली डंडी है, इसमें हल्का ब्लैक सा डंडी है, ठीक, ये हॉर्न का हो गया, ये हॉर्न का हो गया, ठीक। फिर उसके बाद देखिए एक तार इसका सेल का है, ठीक, देखिए भैया देखिए, यानी ये सेल्फ लेता है, भैया जरा क्लच दबाइए जरा एक मिनट मेरे दोस्त, हम्म,
देखो मेरे दोस्त, इसकी बैटरी थोड़ी सी लो थी इसलिए ये दिक्कत किया, लेकिन आप देखिए हमने क्या किया, ब्राउन तार जिसमें करंट आता है उसको हमने कहाँ से यानी शॉर्ट किया, लाल सफ़ेद से, ठीक, लाल सफ़ेद से शॉर्ट करते ही यानी ये सेल्फ ले लिया, ठीक। अब हमने सेल्फ का फंक्शन यानी ऑफ कर देते हैं, ठीक मेरे दोस्त, यानी आप करना भैया, हाँ यहाँ से देखिए सेल्फ का कनेक्शन यानी इससे हो गया, जो इसका देखिए 6 वायर लगे हैं मेरे दोस्त, और 6 वायर में हम आपको बता देता हूँ, ये दोनों हो गए इसके, जो हारन का जो सामने सामने हारन को बोल बज गया इसे, इस पर लगाया जो लाल सफ़ेद है इसमें यानी सेल्फ ले लिया, और इसमें देखिए इंडिकेटर के देखिए मेरे दोस्त, जरा भैया पीछे दिखाना, हाँ इसे दिखाइए पीछे, देखिए इस साइड का इंडिकेटर चला जब हमने ग्रीन तार में लगाया, और इस साइड जब सिलिटी कलर में लगाएंगे उस साइड का, देखिए उस साइड का भैया थोड़ा ऊपर दिखाइए, हाँ देखिए उस साइड का चला, ठीक, जब हम सिलिटी कलर में लगाएंगे तो राइट साइड का, और जब ग्रीन तार लगाएंगे तो लेफ्ट साइड का, ठीक। इस तरीके आप समझ गए कि आप यानी 6 वायर जो इधर हमने हैं इन्हीं से सारा फंक्शन ज़्यादातर होता है। इस तरीके से हम आपको यानी ये इंडिकेटर का हो गया, हारन का हो गया, सेल्फ का हो गया, ठीक। बाकी फिर और हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे आपको समझ में आएगा जब हम इससे यहाँ से ज्वाइन करेंगे एक वायर से तो सारा फंक्शन हो जाता है, ठीक। अब मेरे दोस्त क्या है कि हम इस स्विच को निकाल करके तब हम आपको नए स्विच किस तरीके से वायरिंग बनाते हैं उसको बताते हैं। मेरे दोस्त देखिए, हमने वायरिंग को कोई काटना नहीं चाहा, मेरे पास पुरानी वायरिंग जो पड़ी थी उसमें हमने ये 6 पिन का सॉकेट निकाला इधर से और 6 पिन का सॉकेट निकाला इधर से, ठीक है। बाकी ये वाले सॉकेट को हम पुराना सॉकेट लगा करके और इसको एक तार हमको कट करना पड़ेगा, तो उसको हम ये दोनों तार कट करके इधर यानी उसमें हम ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। लेकिन हम पहले इसको बताते हैं जैसे क्या है कि अभी चाबी आप है और देखिए ये जब ये इधर का सॉकेट लग गया है तो हमको ये वायरिंग बनाना पड़ता है, ठीक है मेरे दोस्त। अब आपको मालूम है कि लाइट जो जलती है वो इसमें DC से जलती है, ठीक, क्योंकि ये AC नहीं है, DC है, ठीक है मेरे दोस्त। तो उसका क्या मतलब होता है, जो लाइट का स्विच जाता है जो इधर से जाता है वो जाता है नीला कलर, ठीक। अब हमने जो नीला कलर का तार है हमने ये ले लिया, ठीक मेरे दोस्त, ये वाला देखिए इधर नीला तार है, यहाँ देखिए मेरे दोस्त ये, और नीला कलर लाइट जलाने के लिए मेरे दोस्त देखिए इसमें हमको देना पड़ेगा, ठीक। इसके लिए हमको 4 तार का सॉकेट लेना पड़ेगा, ठीक। अब जो लाइट के लिए मेरे दोस्त क्या होता है, इसमें जो बताया कि जिसमें करंट आता है वही तार हमको देना पड़ेगा यहाँ पर जिससे लाइट जले, ठीक। अब इसमें हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कौन से वायर में करंट आता है, इसमें दोनों में यानी आ सकता है, इसमें आता है इसमें नहीं आता, ठीक। ये इसका हारन हो गया, ठीक। अब देखिए जो ये लाइट का वायर है वो हमको जहाँ ज्वाइन करना है इसमें ज्वाइन करना है, यहाँ पर जो नीला तार इसको देखिए सर, ये तो ये नहीं देखना। और इस तरीके से हमारे 2 भाई भी हैं, जो एक भाई हैं बदायूं से और एक भाई हैं बांदा से, ये दोनों भाई लोग काम सीखते हैं और ये इनको भी यहाँ पर हमने एडजस्टमेंट कर दिया है, रहने खाने की व्यवस्था कर दी है और ये लोग यहाँ पर आराम से रहते हैं, ठीक। तो ये देखिए लाइट का इनपुट हो गया, ठीक। आउटपुट होगा इसमें, ठीक है, आउटपुट यहाँ पर, ठीक। और ये जो ये था जो ये तार था 9 पिन का सॉकेट था, तो हमने यहाँ पर ये पॉइंट लगा दिया है और इसको हमको यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइंट कर देना है, ये ब्रेक लाइट का हो गया, बिल्कुल सिंपल होता है ये, कुछ भी नहीं, ठीक। अब मेरे दोस्त क्या है, जो आपका सेल्फ वाला है उसको इधर देना है सेल्फ वाला और ब्रेक लाइट वाला, और फिर ये इससे ऑन ऑफ होता है, ठीक। हम इसको दिखाते हैं, एक मिनट पहले देखें मेरे दोस्त, सेल्फ के लिए क्या करना है हमको, आपको इसी तार से हमको सेल्फ का सिस्टम देना है, ठीक है, यानी एक मिनट बताते हैं मेरे दोस्त। मेरे दोस्त देखिए हमने क्या किया, जो इसका वायर था हमने बताया था कि पुराने से हमने कट कर दिया, जो ये वायर होता है इसमें भी करंट आता है, ठीक। अब ये करंट जो जाता है इधर से इधर जाता है और उसी से क्या होता है, सेल्फ भी लेता है, उसी से ऑन ऑफ भी करता है, ठीक है। तो यानी इस तार से यानी हमने इसको करंट दिया, इसी से क्या होगा मेरे दोस्त, लाइट भी जल जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, इसी से यानी लाइट का भी जल जाएगा, लाइट का फंक्शन भी इसी से हो जाएगा, ठीक। अब हमने देखिए ये जो होता है ये एक वायर जब यानी ये स्विच ऑन होता है तो ये तार में करंट जाता है रिले में, और रिले का हमने वीडियो बना चुके हैं कि रिले की यानी जो छोटा रिले होता है वो किस तरीके काम करता है, इसलिए हम पूरी जानकारी दे दिया। अब हमने इसको मेरे दोस्त हमने यहाँ पर कट नहीं किया, इसको हमने वहाँ पर ज्वाइन कर दिया, उस तरीके से हम इसमें टेप लगाते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए हमने इसमें सिर्फ ये 2 तार इसमें ज्वाइन किया है जो इसका अलग से सिस्टम था, ठीक है, वही सिस्टम लगा करके इधर यानी हमने दे दिया, इससे लाइट भी जलेगा और इससे आपका यानी सेल्फ भी लेगा, ठीक। तो हमने सेल्फ वाला वायर जो हमने बताया था इधर जो इस साइड का होगा ये है लाल और सफ़ेद,
लाल सफ़ेद को हमने ले करके यहाँ पर ज्वाइंट किया यहाँ पर, ठीक मेरे दोस्त। यहाँ पर जो स्विच में दिखा रहा वो लाल पीला दिखा रहा, इस तार में हमने लाल सफ़ेद वायर को जोड़ दिया। इस बात को आप समझ लें कि ये तार हमने लाल सफ़ेद में जोड़ दिया, ठीक, क्योंकि ये तार हमने यहाँ पर ज्वाइंट किया और यही तार यहाँ पर आता है ये कोने में, देखिए यही तार हमने ये पकड़ लिया, ठीक। इस तार को हमने इसमें ज्वाइंट कर दिया। भैया हम कहेंगे ज़रा सेल्फ लाने की कोशिश करिए भैया, देखिए मेरे दोस्त हमने क्या किया है, ये इससे यानी इससे आनाफ वाला काम करेगा। देखिए इससे हम, देखिए यहाँ पर दिखाइए भैया, आनाफ भी होगा और इसी से यानी सेल्फ भी लेगा, ठीक। तो इस तरीके आपको सेल्फ वाला पॉइंट समझ में आ गया, बाकी हम आपको लाइट वाला दिखाते हैं एक एक पॉइंट। मेरे दोस्त देखिए हमने इसमें ये जो चार पिन का सॉकेट लाइट वाला था, हमने इस पर ये चार पिन का सॉकेट लगा दिया, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका तो कनेक्शन हम उस साइड वाले स्विच में जाएगा, पहले उधर वाला सेट कर लें उधर वाला। लेकिन क्या है कि जैसे इसका पार्किंग वाला पहले देखें, पार्किंग वाले में देखिए इसमें जो चार तार हैं, इस तार को हमको हटा देना है अभी, इसको किनारे करना, ठीक। फिर उसमें देखिए लाल काला और लाल पीला और बिल्कुल रेड, ये तीन कलर के वायर हमको चेक करना है। इसमें जो पूरा रेड है उस रेड के कलर के वायर को इस पूरे रेड में इसमें हमको दे देना है, जिससे पार्किंग बाइक लाइट मीटर लाइट जलती है। देखिए ये वही वायर में हमने सेट कर देना है इसको इस तरीके से। और हम कहेंगे भैया जरा चाबी ऑन करके हमें दिखाइए, चाबी ऑन करो जरा बैक लाइट देखो, और यहाँ पर भैया जरा देखिए इसमें, हाँ चाबी ऑन करो भैया और एक बार लाइट ऑन करो, हाँ देखिए ये भी जल रहा है, उसके साथ साथ वहाँ पर बैक लाइट मीटर यानी बैक लाइट भी जल रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये हमने रेड कलर का वायर जोड़ा है, तो जिससे कि यानी हमारा ये हो गया पार्किंग लाइट का, ठीक। फिर बाकी हम आपको और एक एक पॉइंट दिखाते हैं। मेरे दोस्त देखिए हमने इधर भी काटना नहीं चाहा और इसके लिए हमने सॉकेट बना लिया, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसी में हमको सेट करना है, ठीक। इसमें जो सेट करना है उसके लिए देखिए, सो जो सबसे पहले तार हमको लाइट के लिए लेना है ये इसका येलो पर नीला, तो येलो पर नीला वायर ये आता है, ठीक। और मेरे दोस्त येलो पे नीला यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर भी येलो पे नीला है, देखिए इसको दिखाते हैं, ठीक। अब ये येलो पे नीला जो वायर है इसको हमको इधर ज्वाइंट कर देना है, यानी लाइट के लिए येलो पे नीला इधर कर देना है, ठीक मेरे दोस्त। हमने येलो पे नीला वायर इधर ज्वाइंट कर दिया हमने इस साइड, ठीक है। फिर क्या करना है, अब ये इधर से जब लाइट ऑन करेंगे तो इधर वाले डिपर स्विच में आ गया, इधर वाले में, ठीक। अब इधर से क्या है, हमको अपर डिपर करना है। अब अपर डिपर करने के लिए क्या होता है, इसका जो वायर होता है लाल पीला और लाल काला, ठीक। लाल पीला हमने ले लिया इस तरीके से, लाल पीला यहाँ से ले लिया है, उसको हमको ज्वाइन करना है यहाँ पर ये लाल पीले में, ठीक। इस तरीके से हमको लाल पीले में ज्वाइन कर देना है, और इसका जो लाल काला है उसको भी हमको ले लेना है। ये वायर जो है लाल काला के ये वायर है, इधर भी लाल काला लगा हुआ है, ठीक। अब इधर कहाँ पर लाल काला है, इसके ठीक बगल में है, यहाँ पर थोड़ा सा कटा भी है इसलिए लाल काला हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है मेरे दोस्त। और हम इस तरीके से, ठीक। और अगर हमको पासिंग लाइट लेना है तो पासिंग के लिए हमको ये वायर जो होता है पासिंग के लिए हमको यहाँ से लेना पड़ेगा ब्राउन कलर में, ठीक है मेरे दोस्त। अब ब्राउन कलर का जो वायर है वो कहाँ पर है, जिसमें करंट आता है, ठीक मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पर करंट आता है, जो इसका मेन वायर जिससे हम हॉर्न बजा रहे थे, ठीक, उसको हमको यहाँ ले लेना है, ठीक। हम इसको देखिए मेरे दोस्त, हम आपको यही चाहते हैं कि हम आपको जो बताएं समझ में आ जाए, ठीक। वायरिंग इतनी ज़्यादा टिपिकल होती लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से जो हमको समझ में आ रहा हो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब क्या है मेरे दोस्त, हम चाहेंगे कि लाइट को भैया ऑन करिए, ठीक, लाइट को ऑन करिए। देखिए ये लाइट इस तरीके से जल जाएगी, ठीक है। और इसका अपर डिपर करिए भैया, इस तरीके से अपर डिपर हो जाएगी, ठीक। और इसका भैया पासिंग लाइट भी, पासिंग लाइट भैया लाइट बंद कर दीजिए, लाइट देखिए बंद कर दिया, ठीक। अब ये पासिंग लाइट, ठीक। अब आपको हम इधर समझा दें, इधर आइए भैया। देखिए जो ये वायर लिया है ये हमने डायरेक्ट करंट इसमें दिया है, जिससे यानी पास लाइट जलेगा, ठीक मेरे दोस्त। और जो यहाँ पर हमने करंट लिया है, जो यानी यही वायर हमने यहाँ पर लिया है जो पास लाइट जलेगा, पर हमने जो आपको बताया कि जो इनपुट जाएगा इसके अंदर वो जाएगा यानी येलो पर ग्रीन डंडी, ये है मेरे दोस्त, येलो पर ग्रीन डंडी, ठीक है।
येलो पर यानी नीली डंडी, ठीक है, लाल यानी पीले पर हल्की सी नीली डंडी, वो जो इनपुट जाएगा उसके अनुसार जो आउटपुट निकलेगा पीले लाल पे निकलेगा और काले लाल पे निकलेगा, ठीक है, जिससे कि हाई लो होता है, ठीक है मेरे दोस्त। अब हम इसको टेपिंग करके तब हम आपको इंडिकेटर और हारन पर बताते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। मेरे दोस्त देखिए, हम आपको फिर हारन बताते हैं, ठीक। लाइट हमने अपर डिपर दिखा दिया, सेल्फ दिखा दिया, और अब आपको हम इसका जो हारन वाला होता है हारन वाला दिखा देते हैं, ठीक। देखिए इसमें पहले के समय में क्या होता है अब मेरे दोस्त देखिए, हम आपको समझाते हैं हारन का सिस्टम, ठीक। अब हारन के लिए क्या होता है, जो इसमें जो सिस्टम है वो सिर्फ अर्थ का है, लेकिन हमको आपको देना क्या है, फेस। अब हम इसमें क्या है, फेस इसमें देंगे, समझ मेरे दोस्त। इसको आप समझ लीजिए ब्राउन कलर का तार, इसको हमने फेस दे देते हैं, ठीक। अब जब फेस देते हैं तो फेस आउटपुट किधर निकलेगा, आउटपुट निकलेगा यहाँ पर, ठीक, ये काले तार में, ठीक। अब इसमें जो तार यहाँ पर लगा हुआ है वो तार लगा हुआ यहाँ पर, अब हम यही तार जो इसका हारन का है, हमने आपको दिखाया था कि ब्राउन कलर के ठीक सामने होता है, उसमें हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब मेरे दोस्त हम इसको पहले टेप लगा देता हूँ, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए मेरे दोस्त, हमने आपको बता रहे थे कि इनपुट इधर आउटपुट इधर, आउटपुट वाला हमने ब्राउन कलर के ठीक सामने लगा दिया है, लेकिन जो इनपुट है हमको, यानी इनपुट देना कहाँ पर है, हमको उसी हारन के ठीक सामने जो ब्राउन कलर का तार था जो हमने लाइट में दिया है, और उसी में हमको सब जगह देना है, ठीक, ठीक है। तो हम इसमें दे करके हम आपको हारन बजा के दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, ठीक, इस तरीके आप समझ गए। तो हम इसमें बड़ा तार करके लगा देते हैं, पर आपको समझ में गया हारन का भी एक एक पॉइंट हम समझा रहे हैं, क्योंकि मेरे दोस्त अगर थोड़ा बहुत भी आप अनुभवी हैं तो आप कर लेंगे, और इसीलिए हमने इस तरीके से बताते हैं कि आप समझ में आ सके, क्योंकि थोड़ा ये टिपिकल ज़्यादा होता है, क्योंकि अपने हाथ से वायरिंग बनाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमने एक एक पॉइंट आपको समझा रहे हैं कि आपको समझ में आ सके, ठीक है मेरे दोस्त। मेरे दोस्त देखिए, ज़्यादातर इसमें अब तीन वायर बचे हैं, एक मिला के चार वायर, ठीक। अब हमको तीन वायर जो बचे हैं इसमें क्या है कि इंडिकेटर के बचे हैं, इंडिकेटर स्विच के लिए बचे हैं। देखिए जो इसमें ऑरेंज कलर का तार है, उस तार को यानी हमको फ्लेशर से देना है, और फ्लेशर लगाने के लिए इसमें फ्लेशर लगाए बिना नहीं होगा, ठीक। और इसमें हमने फ्लेशर में दो बार जिधर यानी हमने ये इधर लाइन बनी होती है उस साइड हमको ब्राउन कलर का तार का कनेक्शन करना है, और अभी हमारे पास सॉकेट नहीं मिल रहा, तो हमने सॉकेट बना करके इसको हम टेप लगा देंगे, हाँ। और इधर देखिए हमको क्या करना है, ब्राउन कलर से कनेक्शन देना है, और ये हमको जो ऑरेंज कलर का वायर है उस वायर से हमको यहाँ कनेक्शन देना है फ्लेशर को, एक फ्लेशर यहाँ पर तार ज्वाइंट किया और एक हमने ज्वाइंट किया यहाँ पर, ठीक है मेरे दोस्त। अब उसके अनुसार हमने क्या करते हैं, जो इसका इंडिकेटर का वायर है उस वायर को जोड़ना है, यानी जो ग्रीन वायर है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मेरे दोस्त जो हमने इंडिकेटर के सबसे पहले आपको बताया था, यहाँ पर देखिए ग्रीन वाला इधर ग्रीन वाले में जोड़ना है, और स्लेटी वाला स्लेटी में जोड़ना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर हमको ये ग्रीन वायर में हमने यहाँ पर जोड़ दिया जो वहाँ पर कलर था बस, ठीक। यहाँ बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी ऐसा टिपिकल नहीं है मेरे दोस्त, इसको आप आराम से कर लेंगे। देखिए अब भैया ज़रा हम चाहेंगे, ज़रा भैया ज़रा आप थोड़ा सा इंडिकेटर जला के दिखाइए भाई मेरे, इंडिकेटर, ठीक है। देखिए मेरे दोस्त, इंडिकेटर देखिए आगे भी कनेक्शन नहीं किया गया है, पीछे दिखाइए भाई जाके पे पीछे ठीक। अब आप मेरे दोस्त, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। यानी जो इसका ऑरेंज कलर का तार है उसको हमको फ्लेशर से देना है, और फ्लेशर को कनेक्शन जो करना है वो ब्राउन कलर से कर देना है, ठीक। तो एक जो ब्राउन कलर जाएगा जिधर इधर डांडी बनी होती है, इधर ब्राउन कलर यानी इसको फेस देना है, और जो इधर से इनपुट देना है इनपुट, आउटपुट जो जाएगा ऑरेंज कलर में चला जाएगा, इसके अनुसार इसका फ्लेशर का काम हो जाएगा, ठीक। अब मेरे दोस्त ये सब समझ में आ गया, इस सारे तार को समझ में, इस वायर का बचा है, इस वायर के भी विषय हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब आपको मेरे दोस्त क्या है, जो इसमें हारन का सिस्टम है अर्थ का, वो हमको जैसे हारन यानी सिस्टम इसमें बना है उसी तरीके से देना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। अगर वैसे नहीं देंगे तो क्या होगा, इसमें जो लाइट जलती है वो लाइट नहीं जलेगी, ये वाली, ठीक। इसलिए लाइट जलाने के लिए हमको क्या है कि यहाँ पर जो काला और पीला तार है इसको हमको अर्थ देना है, और अर्थ का तार देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर है, जो यहाँ पर इसके बगल में है अर्थ का तार, यहाँ पर अर्थ का तार यानी बॉडी से ग्राउंड हो गया, ठीक। अब हम इसको क्या करते हैं, इसमें इसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है मेरे दोस्त।
और इसको हम ज्वाइंट करके इस तार को क्या है, इस सॉकेट को, जो यहाँ पर भी एक ब्राउन कलर का तार है, ठीक, यहाँ पर भी जैसे इस तरीके से है, ये दोनों एक ही तरह के कलर के तार हैं, ठीक। हाँ, ये स्विच की लाइट जलती है उसके लिए होता है, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसमें हमको ज्वाइन कर देना है यहाँ पर ये, इसका हमने ये इस तरीके लग गया, ठीक। और इस तरफ सॉकेट में भी हमको इस कलर का तार लगाना है हमको, ठीक। हमने क्या किया, एक इस कलर का सॉकेट हमने इधर ले लिया और हमने यहाँ से ये कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर मेरे दोस्त, यहाँ पर। अब हमने इसके जगह पर ये एक तार देखे मेरे दोस्त, अब ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, पहले मेरे दोस्त क्या है, ये जो वायर है हमने बताया कि इसमें जो ये यानी ब्राउन पर सफ़ेद डंडी, ठीक, ब्राउन पर सफ़ेद डंडी यहाँ पर, वही तार को अगर हम यहाँ पर ज्वाइंट कर देते हैं तो जो इसके स्विच में लाइट जलती है वो जल जाएगी। जलाइए भैया, देखिए यहाँ पर भी जल गया ये स्विच। हम इसकी लाइट थोड़ा बंद करना चाहेंगे भैया, इसकी यानी भाई इसमें भी लाइट है, उसमें भी लाइट है, देखिए मैं भैया ऑन करके आप करिए ज़रा, हाँ ऑन आप करो, जब दीजिए आप बंद चलाइए, ठीक। देखिए मेरे दोस्त, इस तरीके से ये काम करता है, ठीक मेरे दोस्त। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया, लेकिन अब क्या है कि हमको, देखिए आपने बहुत सारे भाई लोगों ने जो कमेंट किया कि आपके देर हो जाए कोई बात नहीं, पर हम आपके जो हम वीडियो बनाएं वो आप यानी देखेंगे, तो यानी हम इसीलिए हमने चाहा कि एक एक पॉइंट समझा दें। अब लगभग हमने सारे पॉइंट समझा दिए, लेकिन हारन का जो सिस्टम है वो हमको फिर से यानी थोड़ा सेट करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए हम बता रहे हैं आपको। मेरे दोस्त देखिए, हमने ये क्या किया, यहाँ से हमने जो इसका अर्थिंग का तार उसको कट कर दिया, और कट करके हमने यहाँ पर यानी एक वायर जोड़ दिया, जिसके द्वारा यानी इसको यानी फेस मिले यानी अर्थ, जैसे कि बजाज की सभी बाइक में होता है कि करंट डायरेक्ट आता है और जब उसको अर्थिंग मिलता तब हारन बोलता, ठीक। तो हमने इस वायर को अलग से लगाना पड़ा, तब यानी ये सही हुआ। और हमने जो पहले कनेक्शन आपको दिखाया था कि आपका हारन बजा दिया था, पर क्या होता, उसमें आपकी जो स्विच में लाइट जलती वो न जलती, क्योंकि उसको अर्थ न मिलता, ठीक। तो मेरे दोस्त इसको हम यहाँ पर करंट आ रहा, ठीक, हम देखिए इसमें हम आपको दिखा देता हूँ भैया चाबी ऑन करके, देखिए, हाँ मेरे दोस्त इसमें देखिए करंट आ रहा। हमने दोनों तार यहाँ से कट करके और इसको हारन में हमने डायरेक्ट करंट दे दिया, उसके अनुसार हमने जैसा कनेक्शन पहले था वैसा ही कनेक्शन रखा, कुछ भी इसमें दिखाइए मेरे दोस्त, यहाँ पर जो इसके ठीक यानी इस वाले वायर के, ब्राउन वाले वायर के सामने था, उसी वायर को हमने यहाँ पर यानी जो पूरा ब्लैक है उसी से ज्वाइन कर दिया, ठीक, पूरा ब्लैक वाले वायर से इसको ज्वाइन कर दे, जिससे कि यानी हारन आउटपुट जाता है और जो इसको अर्थ मिलता है वो यहाँ से। अब देखिए मेरे दोस्त, ज़्यादातर हमने एक तार में कितने सारे कनेक्शन किए हैं वो आप देख लीजिए। इसी वायर से हमने यानी ये फ्लेशर को दिया है, इसी वायर से हमने, और फ्लेशर से लगा करके इसमें हमने हेडलाइट को दिया है, हेडलाइट को भी दिया मेरे दोस्त यहीं से, ठीक, और हेडलाइट के साथ साथ हमने हारन को भी यहीं से दिया, ठीक, और हारन के साथ साथ यहाँ पर जो पास लाइट जैसे जलता है उसको भी दिया, यानी एक तार से हमने चार तार कनेक्शन किया है, और यहाँ पर जो दो तार जुड़े हुए ये इसका अर्थ का है, जिससे अर्थिंग मिलता है, ठीक। तो मेरे दोस्त, हमें लगता है कि हमने जो समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एक बार पहले से चला के दिखा देते हैं, देखिए मेरे दोस्त इस तरीके से इसका हारन बज रहा, और इंडिकेटर हमने आपको लगा के दिखा देता हूँ। मेरे दोस्त देखिए, अब इसका जो स्विच है उससे यानी है आपका हारन बोल रहा, इंडिकेटर देखिए मेरे दोस्त बाएं साइड का, दाहिने साइड का, और मीटर भी चल रहा है इसका, उसके साथ साथ देखिए लाइट चलाइए भैया, लाइट देखिए मेरे दोस्त, हेडलाइट देखिए, देखिए मेरे दोस्त हेडलाइट भी जल रही, और इसका हेडलाइट के साथ साथ डीपर जल रही, ठीक मेरे दोस्त, ठीक। और इस तरीके से आपको सिर्फ हमने एक वायर हमने जो उस पर फ्लेश यानी हारन में एक्स्ट्रा देना पड़ा यानी फेस, बस वो दिया, और जो हमको यानी मेरे दोस्त जो बेहतर से बेहतर अच्छा से हमने समझाना चाहा आपको कि आपको परेशानी ना हो, और हमने एक वायर सिर्फ इसका जो ये था ये बॉडी कंट्रोल यूनिट का सिर्फ ये वाला, ये सिर्फ हमने कुछ भी नहीं किया गया, क्योंकि ये
जब ये BCU होता तब काम करता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये सिर्फ हमने हटा देता हूँ बस मेरे दोस्त, बाकी आपको कोई प्रकार से इसमें कोई समस्या नहीं होगी और आप करेंगे तो इस जैसे हमने किया उसी तरह की आप भी वायरिंग कर लेंगे, और कोई समस्या होती तो आप ये वीडियो देख करके करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरे दोस्त वीडियो लंबा था इसके लिए हमें क्षमा करना, क्योंकि आप लोगों ने जैसा बोला वैसे बताया, लेकिन मेरे दोस्त हम चाहेंगे हमारा वीडियो पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।